नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा चौथी विषय अंग्रेजी में देखिए लेशन का नाम है, देखिए एट द बॉटम ऑफ द ओशन अर्थात सागर की तलहटी में। व्हाट इज देयर अंडर द सी, व्हाट इज देयर अंडर द सी, लिसन केयरफुली एंड रीड विथ मी। तो इस पाठ का वाचन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से करके दिखा रहा हूँ। चित्र को ध्यान से देखिए, समुद्र के अंदर का सीन यहाँ दिया गया है, किस तरह से समुद्री जीव रहते हैं। तो आइए हम इस वीडियो के माध्यम से वाचन इसका हम करते हैं। द सी इज वेरी डीप, द सी इज वेरी डीप, there are many plants and animals in the sea, some of them are very small, we cannot see them with our eyes, there are fishes, turtles and many strange of beautiful animals in the sea, the largest of all animals is the ब्लू व्हेल, इट लिव्स इन द सी। तो इसका अर्थ हम देखते हैं, द सी इज वेरी डीप अर्थात समुद्र जो है ये बहुत गहरा है। द सी इज वेरी डीप, समुद्र जो है ये बहुत गहरा है, इसकी गहराई को हम नाप नहीं सकते। द सी इज वेरी डीप अर्थात समुद्र बहुत गहरा है। There are many plants and animals in the sea अर्थात समुद्र में अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ तथा प्राणी रहते हैं। Some of them are very small, उनमें से बहुत से प्राणी जो है बहुत छोटे हैं, हमें अपनी आँखों से नहीं देख सकते उन्हें। We cannot see them with our eyes, कुछ प्राणी जो है बहुत छोटे हैं, उन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। There are fishes, यहाँ पर बहुत प्रकार की क्या है, मछलियाँ हैं, turtles अर्थात कछुए हैं, and many strange and beautiful animals in the sea, तो समुद्र में मछलियाँ, कछुए तथा अनेक अद्भुत सुंदर प्राणी हैं। The largest of all animals is द ब्लू हिल, और सभी प्राणियों में सबसे बड़ा प्राणी जो है नीले रंग का व्हेल मछली है, व्हेल मत्स्य जिसको कहते हैं। इट लिव्स इन द सी, वह समुद्र में रहता है, जो चित्र में दिखाया गया है। देखिए ये ब्लू व्हेल मछली है, किस तरह से नीले रंग की यह मछली है। तो इस तरह से समुद्र में जो है बहुत प्रकार के जीव जंतु जो है रहते हैं। आगे हम देखते हैं, There are many different types of plants in the sea अर्थात समुद्र में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां हैं। There are many different types of plants in the sea, समुद्र में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां हैं। In some places there are so many that it is like an underwater forest, वे इतनी मात्रा में हैं कि पैरों के नीचे के जंगल के समान ये दिखाई देती हैं। अंडर वाटर फॉरेस्ट अर्थात जंगल के समान ये लगती हैं। तो इस तरह से इसका वाचन फिर देखते हैं, देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स इन द सी, इन सम प्लेसेस देयर आर सो मैनी दैट इट इज लाइक एन अंडर वाटर फॉरेस्ट अर्थात समुद्र में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां हैं, वे इतनी मात्रा में हैं कि पैरों के नीचे वे जंगल के समान लगती हैं। पाठ का हमने वाचन किया, अब इसके शब्दार्थ को देखते हैं कि इसमें कौन कौन से शब्दार्थ हैं।
तो आइए हम शब्दार्थ का वाचन करते हैं, उनके अर्थों को समझते हैं। बॉटम BOTTOM बॉटम, बॉटम अर्थात तलहटी, नदी, समुद्र आदि का तल जो होता है उसे बॉटम कहते हैं। OCEAN ओशन, ओशन अर्थात महासागर। डीप, DEEP है, डीप अर्थात गहरा। TURTLES टर्टल्स अर्थात कछुआ। ब्लू, BLUEWHALE ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल अर्थात नीला व्हेल मछली जो होती है, मत्स्य जिसको कहते हैं। अंडर वाटर, UNDERWATER अंडर वाटर अर्थात पानी के नीचे। फॉरेस्ट, FOREST फॉरेस्ट, फॉरेस्ट अर्थात जंगल अथवा वन। डार्क, DARK डार्क, डार्क यहाँ अर्थ होगा अंधेरा। क्वाइट, QUIET क्वाइट अर्थात शांति। ओशन फ्लोर, OCEANFLOOR ओशन फ्लोर अर्थात सागर के नीचे की जो जमीन है उसे ओशन फ्लोर कहते हैं। फ्लैट, FLAT फ्लैट, फ्लैट अर्थात सपाट समतल जो होता है। माउंटेन, MOUNTAIN माउंटेन अर्थात पर्वत। प्लेन्स, PLAINS प्लेन्स, प्लेन्स अर्थात मैदान। वैलीज, BALLEYS BALLEYS वैलीज अर्थात तराई या जिसे घाटी कहते हैं। डीप, DEEP TRENCHES डीप ट्रेंचिस अर्थात गहरी खाइयां। देखते हैं TOP टॉप, टॉप अर्थात चोटी या शिखर। फॉर्म्स, FORMS फॉर्म्स अर्थात बनाती हैं। आइसलैंड, ISLAND आइसलैंड अर्थात द्वीप होता है। द्वीप का अर्थ होता है चारों बाजू से पानी से घिरा हो, बीच में जमीन, उसे आइसलैंड कहते हैं। मैजिक, MAGIC मैजिक अर्थात जादू। SEA सी अर्थात समुद्र या सागर। सनलाइट, SUNLIGHT सनलाइट अर्थात सूर्य का प्रकाश। केयरफुली, CARE FULLY केयरफुली अर्थात सावधानी पूर्वक। तो इस तरह से आप इस पाठ का वाचन करिए, लेखन करिए, श्रवण करिए, शब्दार्थों को कंठस्थ करिए।